नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आज कैमन ने अपना एक और नया स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है कैमन i2X। और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक नॉच डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है जिस पर कंपनी फ्रंट कैमरा पर फोकस कर रही है और हमेशा की तरह इसमें भी आपको वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिल जाती है, 100 डेज की रिप्लेसमेंट दी गई है और 12+1 मंथ की वारंटी भी आपको मिल जाती है। तो चलिए अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और आपको इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और इसका फर्स्ट इम्प्रेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसके बॉक्स को खोल लेता हूँ और देखते हैं कि कंटेंट क्या दिया है इसके अंदर। खोल लिया यहाँ पर और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। कैमन i2X आप इसका नाम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथ साथ ये रहा इसका बॉक्स जिसके अंदर आपको बॉक्स कंटेंट और ये फ़ोन मिल जाएगा और ऊपर की तरफ ये एक स्मार्टफोन जिसका नाम कैमन i2X है और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है टेक्नो हर सूरत खूबसूरत। वाओ क्या टैगलाइन है, हालांकि बहुत अच्छी बनी नहीं पर ठीक है, कंपनी ने कोशिश की है कुछ अलग करने की। और मैं इसको रैपर को यहाँ से हटा देता हूँ और आपको इसका बैक पैनल दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल रियर कैमरा के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, ग्लास फिनिश वाला बैक पैनल है। पर एनीवे फ़ोन को अभी ऑन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स कंटेंट। और ऊपर की तरफ आपको ये एक मिरर फिनिश वाला ग्लास मिल जाएगा, हालांकि इसको उतारने के बाद ही आपको फ़ोन का डिस्प्ले दिखेगा, इसको इसलिए उतार देते हैं। ये देख सकते हैं आप, पर ये सब हम चीज़ें बाद में करेंगे, अभी बॉक्स कंटेंट देखते हैं। तो इस लिड को हटाया जाए तो देखते हैं क्या मिलेगा आपको इसके अंदर। वाह वाह, इसमें दिया है एक सिलिकॉन कवर जो कि आपकी फ़ोन की प्रोटेक्शन करेगा, साथ ही साथ आपको एक यूज़र मैनुअल और 12+1 मंथ का वारंटी कार्ड मिल जाता है। और ये मैंने आपको शुरू में ही ऊपर स्टिकर दिखा दिया था, ये इसका IMEI नंबर्स का स्टिकर है। इसमें आपको एक सिम इंजेक्शन टूल मिल जाएगी, पावर अडैप्टर दिया है जो कि 5 वोल्ट 1.2 एम्पीयर का है, साथ साथ इसमें आपको माइक्रो USB केबल मिल जाती है, यानी इस फ़ोन में टाइप सी पोर्ट नहीं है, इसमें अभी भी माइक्रो USB पोर्ट है। जैसे कि आजकल कुछ स्मार्टफोन कंपनीज माइक्रो USB पे फोकस कर रही हैं, टेक्नो ने भी वही काम किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब आप स्मार्टफोन को ख़रीदने जाएंगे ये सारी एक्सेसरी आपको इसके साथ मिलेगी और ईयरफोन्स नहीं दिए गए। अब बात की जाए इस फ़ोन के फर्स्ट इंप्रेशन की, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि जब भी आप इस फ़ोन को ख़रीदेंगे तो कंपनी आपको इसके ऊपर एक ग्लास लगा के देगी। इसका कुछ एडवांटेज नहीं है लेकिन बस फ़ायदा यही कि आप इसमें अपना चेहरा देख पाएंगे। कुछ कंपनी ने क्रिएटिव करने की कोशिश की है पर ज़्यादा किसी यूज़फुल नहीं है ये ग्लास। पर एनीवे इसको मैं साइड में रख देता हूँ और आपको फ़ोन के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि टेक्नो की ओर से ये स्मार्टफोन नॉच डिस्प्ले के साथ आता है, 6.2 इंच का HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले इसमें दिया गया है। तो इसका डिस्प्ले टच रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ है, साथ ही साथ कलर्स भी वाइब्रेंट हैं और टेक्स्ट भी आपको शार्प दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि फुल HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले होता तो हम थोड़ा सा ज़्यादा इससे अट्रैक्ट होते। इसके साथ साथ ओवरऑल लुक्स की बात की जाए तो नीचे जो चिन्ह मिल रहा है वो भी कंपनी ने कम रखने की कोशिश की है। साइड्स में आपको यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट फ्रेम मिल जाता है और बैक साइड पर फाइबर ग्लास दिया गया है जो कि इसकी लुक्स को एनहांस करता है। अब फाइबर ग्लास का नुकसान यह है कि इस पर फिंगरप्रिंट्स बहुत जल्दी पड़ जाएंगे और जल्दी गंदा भी हो जाएगा, साथ साथ स्क्रैचेस लगने के भी काफ़ी आसार हैं। पर एनीवे कंपनी आपको एक सिलिकॉन कवर दे रही है तो आपको उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, डुअल रियर कैमरा विद क्वाड LED फ्लैश लाइट है, नीचे की तरफ माइक्रो USB पोर्ट दिया है, स्पीकर ग्रिल है और 3.5 mm ऑडियो जैक के साथ माइक मिल जाता है। राइट साइड पे दिया गया है पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर की दी गई है, लेफ्ट साइड पे है सिम ट्रे और ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं दिया। तो ओवरऑल लुक वाइज काफ़ी पसंद आने वाला है फ़ोन आपको और काफ़ी लाइट वेट भी है, आपको ज़्यादा इसके वेट का एहसास नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इसमें कंपनी ने दिया है मीडियाटेक का हीलियो P22 चिपसेट और 4GB रैम के साथ 64GB की इसमें स्टोरेज आपको मिल जाती है। तो एक बार हम स्टोरेज देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4GB रैम है, 64GB की स्टोरेज है। अब स्टोरेज तो एक्सपेंडेबल है फॉर श्योर, पर डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है या हाइब्रिड स्लॉट है वो चेक कर लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट मुहैया करवा रही है, यानी आपको अपने सेकेंडरी सिम कार्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इसमें आपको मिल जाएगी 3750 mAh की बैटरी और ये फ़ोन
एंड्रॉयड ओरियो पे चलता है। इस पर आपको कंपनी के हाई ओएस की लेयरिंग भी मिल जाती है। यहाँ पर आप इस फ़ोन के पूरे स्पेसिफिकेशन साफ तौर पर देख सकते हैं। और कैमरा भी देखेंगे तो इस बार कंपनी ने कैमरा में भी कुछ इंप्रूवमेंट्स की हैं। 13+5 मेगापिक्सल का डुअल रे सेंसर मिलता है विद f1.8 अपर्चर, और इसके साथ साथ आपको जो फ्रंट कैमरा मिलता है वो है 16 मेगापिक्सल का, जिसमें f2.0 का अपर्चर दिया गया है। तो चलिए एक बार कैमरा का डेमो कर लेते हैं छोटा सा। फर्स्ट इंप्रेशन है इसलिए मैं जजमेंट नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ एक डेमो करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रियर कैमरा खोल दिया है मैंने इसका। शटर स्पीड यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी स्नैपी है। AI कैम दिया गया है, यानी सिनेरियो को अपने आप डिटेक्ट कर पाएगा। ये बोके इफेक्ट आपको मिल ही जाएगा क्योंकि डुअल रियर कैमरा है। सुपर पिक्सल टेक्नोलॉजी भी डाली गई है। सुपर पिक्सल क्या काम करेगा वो मैं आपको इसके रिव्यू में बता पाऊँगा। साथ ही साथ वीडियो में जाके अगर हम देखें तो आप इसमें फुल HD वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके रियर कैमरा से। और इसके अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का शूटर अच्छा लग रहा है फ़िलहाल अभी। शटर स्पीड काफ़ी फास्ट है। AI कैम फ्रंट में भी है और फ्रंट में भी आपको बोके मोड मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि फ्रंट में भी LED लाइट दी गई है, तो अंधेरे में फ़ोटोज़ क्लिक करना काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। HDR मोड भी आपको फ्रंट में मिल जाता है। और इसके अगर हम फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप फ्रंट में फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने स्पेक्स काफ़ी अच्छे पेश किए हैं, आप इससे निराश नहीं होंगे। हालांकि प्राइस रेंज में थोड़ी ज़्यादा लग रही है, कंपनी ने इसे लगभग 14,000 रुपये की रेंज पर लॉन्च किया है। ऐसे में से कई सारे कंप्यूटर हैं, खासतौर पर अभी कल लॉन्च होने वाला Realme 2 Pro पर। anyway, देखते हैं कि ये फ़ोन अपने रिव्यू में कैसा साबित हो पाता है, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी है तो शायद हो सकता है कि कुछ यूज़र्स इसे खरीदना ज़रूर जाएं। पर फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। साथ साथ हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ़।